नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। झारखंड में राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जेएसी के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह की मौजूदगी में मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in और jacresults.com पर जारी किया गया। पिछली बार की तरह इस बार भी लड़कियों के मुकाबले लड़कों ने बाजी मारी। बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक 75.01% विद्यार्थी 10वीं बोर्ड में पास हुए हैं। बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार 10वीं की परीक्षा में कुल 3,87,695 बच्चों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें से 3,85,144 विद्यार्थी परीक्षा में संलिप्त हुए थे और इसमें से 2,88,928 बच्चे पास हुए। पासिंग प्रतिशत 75.01 रहा। इनमें से 75.88% छात्र और 74.25% छात्राएं शामिल हैं। ऐसे में इस बार छात्रों ने छात्राओं को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि 1,48,051 छात्र छात्राएं फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, जबकि सेकंड डिवीजन में आने वाले बच्चों की संख्या 1,24,036 और थर्ड डिवीजन से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 16,841 रही। इस बार का रिजल्ट पिछली बार की तुलना में ज्यादा रहा। पिछली बार का रिजल्ट 70.81% रहा था। जेएसी की ओर से बताया गया है कि मैट्रिक के विद्यार्थियों की कॉपी जांचने का काम जून के मध्य में ही पूरा हो चुका था और अब रिजल्ट जारी किया गया। बता दें कि इस बार की 10वीं बोर्ड परीक्षाओं में करीब 4,00,000 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। 10वीं की परीक्षा 11 से 28 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी। इस साल 10वीं की परीक्षा सुबह 9:45 से लेकर 1 बजे की पहली शिफ्ट में आयोजित की गई। परीक्षाओं के लिए कुल 1,410 सेंटर बनाए गए और इनमें निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।